Good morning, children. I am S.O. Chokkar, and today we are going to discuss the remaining part of chapter 5 Mother's Day. In our previous video, we have discussed, we have watched how Mrs. Pearson, in the personality of Mrs. Fiziral, is treating harshly to the family members. मिसेस फिजराल्ड वेलिंग रोते हुए ओ डियर आई ओ टू हैव नोन और अरे मुझे पता होना चाहिए था जॉर्ज स्टेयरिंग एट हर अनोयड क्योंकि मिसेस फिजरल्ड मीन्स उसके अंदर पर्सनैलिटी है मिसेस पियर्सन की जॉर्ज स्टेयरिंग एट हर उसकी तरफ घूरते हुए अनोयड चिंतित होते हो यू ओ टू हैव नॉन तुझे तुम्हें क्यों पता होना चाहिए था आई ओट यू टू हैव नोन बताओ तुम्हें क्यों बताओ ना चाहिए था नथिंग टू डू विद यू तुम्हारे साथ तो कुछ नहीं हुआ मिसिज फिजरल्ड लुक वी आर एट सिक्स एंड सेवन हेयर जस्ट नाउ हम परेशान हैं यहाँ अस्त व्यस्त हैं हमारे यहाँ सब कुछ सो यू विल एक्सक्यूज अस आप हमें एक्सक्यूज करें माफ करें मिसिज पियर्सन बिफोर मिसिज फिजराल्ड कैन रिप्लाई इससे पहले कि मिसिज फिजरल्ड रिप्लाई करें आई वोंट एक्सक्यूज यू जॉर्ज पियर्सन नेक्स्ट टाइम आ फ्रेंड एंड नेबर कम्स टू सी मी जस्ट से समथिंग वैन यू सी हर गुड इवनिंग और हाउ डू यू डू जब भी कोई पड़ोसन आपको अगली बार नजर आए तो उसको विश कीजिए कि कैसे हो और समथिंग इस तरह से एंड डोंट जस्ट मार्च इन एंड शेड डाउन विदाउट अवर्ड और ऐसे ही अंदर मत आ जाइए बिना कुछ कहे इट्स अ बैड मैन इट्स बैड मैनर्स मिसिस फिजराल नर्वसली नो इट्स ऑल राइट क्योंकि मिसिज पियर्सन की पर्सनालिटी है मिसिज पियर्सन नो इट इजेंट ऑल राइट विल हैव सम डिसेंट मैनर्स इन दिस हाउस हमारे पास कुछ सभ्य मैनर होने चाहिए इस घर में और आई विल नो द रीजन वाई ग्लेरिंग एट जॉर्ज वेल जॉर्ज की तरफ घूरते हुए जॉर्ज इंटीमिटे इंटीमिडेटिड वेल वॉट क्या 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 इंटीमिडेटिड मीन्स फीलिंग फ्राइट एंड बे भी तो क्या क्या बहुत अच्छा क्या मिसिज पियर्सन टॉन्टिंग हिम उस पर टॉन्ट वाई डोंट यू गैट ऑफ टू यो नहीं चले जाते आप वहां अपनी क्लब में स्पेशल नाइट टू नाइट इजेंट इट दे विल बी वेटिंग फॉर यू वॉन्टिंग टू हैव अ गुड लाफ तुम पे हंसना चाहते हैं गॉन देन डोंट डिसपॉइंट दैम उन्हें परेशान मत करो क्योंकि तुम नहीं जाओगे तो तुम पे हंसेगा कौन जॉर्ज बिटरली दैट्स राइट मेक मी लुक सिली इन फ्रंट ऑफ हर नाओ अब दूसरों के सामने भी मुझे सिली मीन्ज मुर्ख बनाया जा रहा है मेरा अपमान किया जा रहा है गोन डोंट माइंड मी मींज ये सो, मत सोचो कि मैं माइंड करूंगा कहो और को सिक्सटीन एंड सेवन पोरडोर इज बीन क्राइंग हर आइज आउट गेटिंग द नेबर्स इन टू सी द फन पड़ोसियों को बुला बुला लो बुलाए हुए हो कि वो घर में फन देखे सडनली लूजिंग हिज टेम्पर ग्लेरिंग एट मिसेज पियर्सन एंड साउटिंग अचानक अपना टेम्पर लूज करते हुए मिसेज पियर्सन की तरफ देखते हुए और चिल्लाता है ऑल राइट लेट हर हियर इट व्हाट्स द मैटर विद यू हैव यू गोन बामी और व्हाट क्या तुम पागल हो गई हो या कुछ और हो गया आपको मिसिज पियर्सन जम्पिंग ऑफ सेवेजली उसकी तरफ उछलते हुए असभ्य होते हुए इफ़ यू साउट एट मी अगेन लाइक दैट यदि फिर से तुम मुझ पर ऐसे चिल्लाए जॉर्ज पियर्सन अल स्लैप योर बिग फैट से मैं तुम्हें थप्पड़ मारूंगी तेरे बड़े से मोटे से मूर्ख से चेहरे पर मिसिज फिजराल्ड मोनिंग कराते ओ नो 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 नो, 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 नो प्लीज मिसिज फिजराल्ड अरे नहीं 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 नही, मिसिज फिजरल्ड मिसिज पियर्सन सेट्स बैठ जाती है जॉर्ज स्टेयरिंग एट हर बी उसकी तरफ घूरते हुए और कन्फ्यूज है क्योंकि उसने कहा ना मिसिज फिजरल्ड और वह है तो मिसिज पियर्सन पर्सनैलिटी का उसे पता नहीं इधर आई एम ऑफ माई चम्प और यू टू आर या तो मैं अपने चम्प मीज मैड या तो मैं पागल हो गया हूँ या तुम दोनों पागल हो यू हाउ डू यू मीन नो 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 प्लीज मिसिज फिजराल्ड तुम्हारे ये कहने का मतलब क्या है कि नहीं 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 मिसिस विराल्ड लोक यू आर मिसिज फिजर तुम ओ मिसिज फिजराल्ड सो वाई आर यू टेलिंग यूर सेल्फ टू स्टॉप वैन यू आर नॉट डूइंग एनी थिंग अपने आप को क्यों कह रही हो रुकने के लिए जब आप कुछ नहीं कर रहे टेल हर टू स्टॉप देन देर वुड बी सम सेंस इन इट उसको कहो रुकने के लिए स्टेयरिंग एट मिसिस पियर्सन आई थिंक यू मस्ट बी टिडली शराब के नशे में स्लाइटली ड्रंक मुझे लगता है तुमने नश, तुम पे नशा हो गया मिसेज पियरसन स्टेयरिंग दैट अगेन फिर कह फिर से कहना जॉर्ज पियर्सन जॉर्ज इंटिमिडेटेड फिर से अपना अपमान महसूस करते हुए फीलिंग फ्राइटन डर, डर महसूस करते हुए ऑल राइट ऑल राइट ऑल राइट ठीक है ठीक है ठीक है टोरी सेंटर्स लेफ्ट स्लोली लुकिंग मिजरेबल द रैप मिसेज पियरसन सेट्स ऑन द सेटी नाराज होती है उससे क्या लेना है मिसेस पियरसन शार्पली स्टॉप दैट एकदम से चुप हो जा रोक रोक इसको मिसिज फिजर ऑल राइट ठीक है ठीक है मिसिस पियरसन सेवरली गंभीर होती है इट्स

मेरी तरफ ऐसे मत देखो मैं तो त्याग चुका हूँ ये छोड़ चुका हूँ आई जस्ट गिव इट मैंने इसको त्याग दिया है पियर्सन एकदम से गुस्से में होते हुए वेल well, आंसर नहीं नहीं जवाब दोन को डोरिस सल केली आई वॉज गोइंग आउट विद चार्लिस पैंस टू नाइट बट नाउ आई कॉल्ड इट ऑफ जाना चाहती थी लेकिन मैंने अब इसको होल्ड ऑफ कर दिया है मींस पोस्टपोन कर दिया कैंसिल कर दिया है अ पीटी डी वाई हैलिटी और मदर की है मिसिस पियर्सन की कितने खेद की बात है क्यों कर दिया कैंसल डोर इज फ्लैश ऑफ टेम्पर बिकॉज इफ यू मस्ट नो माई मदर इज हैज बीन गोइंग ऑन एट मे मेकिंग मे फील मिजरेबल क्योंकि मेरी माँ ने मुझे परेशान किया एंड गॉट He has got and is कि उसके वो दांतुआ है और वो कमकल है मिसिज फिजरल्ड रादर बोल्डर टू मिसिस पियर्सन ओ यू शुडेंट है चाहिए पियर्सन शार्पली मिसिस फिजरल्ड आई विल मैनेज माई फैमिली यू मैनेज यस जॉर्ज ग्रीमली टिकिंग हर ऑफ नाउ आर यू एनी क्या आप एनी पियर्सन हो मीन्स क्या हो आप मिसेस पियर्सन इवन मोर ग्रीमली दे आर वेटिंग फॉर यू एट द क्लब जॉर्ज डोंट फॉरगेट एंड डोंट यू स्टार्ट क्राइंग अगेन डोरेस तुम्हारा इंतज़ार कर रहे हैं ना वो क्लब में जॉर्ज क्यों नहीं जाते तुम और डोरिस तो फिर से मत रोना शुरू कर देना मिसेस फिजरल गेटिंग अप खड़े होते हुए विद सडन डिसीजन अचानक डिसीजन ले के कारण दैट्स इनअ क्वाइट इनअ बहुत हुआ बहुत हुआ जॉर्ज एंड डॉिस स्टेयर्स एट अर बी बिल्डर उसकी तरफ कन्फ्यूज होकर देखते हैं टू जॉर्ज एंड डोरिस नाउ लिसन यू टू आई वॉन्ट टू हैव अ प्राइवेट लिटिल टॉक विथ मिसिसल्फ मिसिज पियर्सन सो आई विल बी ओबलाइज इफ यू इफ यू अर अलोन फॉर अ फ्यू मिनिट्स अल लेट यू नो वेन वी हैव फिनिश्ड गो ऑन प्लीज मैं बता दूंगी जब हम खत्म कर लेंगे अपना काम आई प्रोमिस यू दैट यू वॉन्ट रिग्रेट इट मैं वादा करती हूँ आपसे कि आप इसको खेद नहीं होगा आप चले जाओ हमें दो मिनट के लिए अकेला छोड़ दो देर इज समथिंग हेयर दैट ओनली आई कैन डील विथ यहाँ कुछ है जिसमें मैं आई डील जॉर्ज राइजिंग आई एम ग्लैड समबडी कैन कॉज आई कॉन्ट कॉज होता है बेटा कॉज मीन्स बिकॉज कॉज मीन्स सी ओ एस आई ए तो बिकॉज बिकॉज

you must change back now अब देखो मिसेस विजराल्ड जो है मिसेस विजराल्ड बोल रही है इसका मतलब है वो अपनी पर्सनालिटी को बोल रही है जो मिसेस पियर्सन में है मिसेस विजराल्ड वी मस्ट चेंज बैक नाउ वी रियली मस्ट हाँ, बदल लेना चाहिए मिसेस पियर्सन राइजिंग व्हाई क्यों मिसेस विजराल्ड बिकॉज़ दिस हैज गॉन फार इनफ अब बहुत हुआ आई कैन सी दे ऑल आर मिजरेबल मैं देख रही हूँ देख सकती हूँ वो परेशान है एंड आई कांट बीयर इट मैं इसको सैन नहीं कर मिसिस अ बिट मोर ऑफ द सेम वुड डू देम गुड दैम है बेटा ये तो थोड़ा सा और ट्रीटमेंट इनको और अच्छा कर देगा मेकिंग अ ग्रेट डिफरेंस ऑलरेडी सी मूवज टू राइट ऑफ द टेबल एंड सेट्स मिसिस फिजराल नो आई कॉन्ट स्टैंड एनी मोर ऑफ इट आई रियली कॉन्ट वी मस्ट चेंज बैक ऑफ प्लीज मिसिस फिजराल मिसिज पियर्सन वेल इफ़ यू इंसिस्ट तुम अगर करती हो तो चेंज कर देती हूँ यस आई डो प्लीज़ प्लीज सी स्ट्रेचेस हर हैंड क्रॉस द टेबल ईगरली फिर से अपने हाथ टेबल के इधर उधर करती है मिसिज पियर्सन टेक्स दैम पियर्सन क्वाइट नाउ रिलैक्स क्वाइट शांत हो जाओ रिलैक्स मिसिस पियर्सन एंड मिसेज फिजर स्टेयर एट ईच अदर मटरिंग एग्जैक्टली एज बिफोर फुसफुसाहट करते हुए जैसे पहले कर रहे हैं अरस्टा डम अरस्टाल लेम डुम बोना फिर वही सेम चैंटिंग मंत्र इसका मीनिंग कुछ नहीं है बेटा इट्स अ चैंटिंग मंत्र थ्रू विच दे चेंज पर्सनैलिटी दे कैरी आउट द सेम एक्शन एज बिफोर गोइंग लैक्स एंड देन कमिंग टू लाइफ बट दिस टाइम ऑफ कोर्स दे बिकम देयर प्रॉपर पर्सनैलिटीज मिसिज फिजरट ऑल वेल आई इंजॉयड दैट मिसेस फिज आह वेल आई इंजॉय दैट बड़ा आनंद आया तेरी पर्सनैलिटी मेंियर्सन आई डेंट मुझे नहीं आया फिजर्ट अब एक्चुअल पर्सनैलिटी में आ चुकी है वेल यू ऑट टू हैव डन नाउ लिसन सुन मिसेस पियर्सन डोंट गो सॉफ्ट ऑन दैम अगेन फिर से सॉफ्ट मत हो जाना एल स्टिल इट विल ऑल हैव बीन वेस्टेड कहीं ऐसा ना हो कि सारे की एक पर मिसिस पियर्सन आई ट्राई नॉट टू मिसेज फिजराट दे हैव नॉट है नहीं हुए जितने ठीक होने चाहिए थे एक या दो घंटे और होते तो आवर ट्रीटमेंट माइट है उनको बिल्कुल ठीक कर मिसिज पियर्सन आई एम श्योर दे विल डू बेटर नाउ दो आई डोंट नो हाउ आई एम गोइंग टू एक्सप्लेन मिसेज फिजराट सिवरली सीरियस होते हुए डोंट यू स्टार्ट एनी एक्सप्लेनेशन और अपोलोजाइजिंग फिर से कोई एक्सप्लेशन स्टार्ट मत कर देना और माफ़ी मांगना शुरू शुरू मत कर देना और यू आर डन फॉ मिसज पियर्सन विद स्पिरिट इट्स ऑल राइट फॉर यू मिसिज फिजीराल आफ्टर ऑल दे आर रन टू यूर हजबैंड एंड चिल्ड्रन मिसिस पियरसन तुम्हारे लिए ठीक है देखो कितनी बड़ी लाइन कह दी मिसिज पियर्सन ने देखो आपके लिए कोई सुधार कर रहा है विद एक भावना के साथ कहा है उसने इट्स ऑल राइट फॉर यू मिसिस फिजराल तुम्हारे लिए ठीक है देखो प्यारे बच्चों सी द लाइन मिसिज फिजराल all, कुछ भी है दे आर रंट योअर हसबैंड एंड चिल्ड्रन वो तुम्हारे हस्बैंड और बच्चे नहीं है ना तुम हार्स ट्रीटमेंट कर सकती थी तो बेटा अपने पेरेंट्स के सामने बोलने से पहले एक बार सोच लेना कि आपके पेरेंट्स है इसलिए वो आपकी सुन रहे हैं और कोई होते तो वो आपकी नहीं सुनते सीधा लाइन आफ्टर ऑल दे आरट योर हस्बैंड एंड चिल्ड्रन देखो पत्नी पति के अगेंस्ट नहीं जा सकती कहना मानती है अपने पति का परेशान हो पति तो उसे बहुत सफरिंग होती है दूसरे की वाइफ तो डिस्टर्ब कर सकती है फिर वही बात आ जाती है सोतेली माँ देखो कैसा व्यवहार करती है कैसा बिहेवियर सी बिहेवियर लेकिन आपकी माँ मीन्स मदर अपने बच्चों के साथ बच्चे कुछ भी कर ले तो भी सॉफ्ट ट्रीटमेंट सॉफ्ट बिहेव सॉफ्ट बिहेवियर रहता है तो यहां यू शुड बी लक्कीस्ट इनफ यू शुड बी थैंकफुल टू गॉड दैट यू हैव यूर फादर एंड मदर विद यू मिसेस विडल इम्प्रेसिवली नाउ यू लिसन टू मी यू एडमिटेड योर सेल्फ यू आर स्पॉयलिंग दैम एंड देट अप्रिशिएट यू एनी अपोलोजाइजिज एनी एक्सप्लेनेशन एंड यू विल भी स्ट्रेट बैक वेयर यूअर कोई भी माफ़ी आपने मांगी कोई एक्सप्लेनेशन दे दिया तो जहाँ तुम थे ना पहले वहीं पहुँच जाओगे आई एम वॉर्निंग यू डियर जस्ट गिव दैम अ लुक अ टोन ऑफ वॉइस नाओ एंड अगेन टू सजेस्ट यूर माई टू बी टफ विद दैम इफ़ यू वॉन्टेड टू बी एंड इट और टू वॉक एनी हाउ वी कैन टेस्ट इट मिसिस पीसल हाउ मिसिस पीजल वेल वॉट इज़ इट यू वुड लाइक दैम टू डू दैट डे डोंट टू डू उस दिन वो क्या चीज़ है जो तुम करना चाहती थी और तुम कर नहीं पाती स्टॉप एट होम फॉर वंस रुक उन्हें रोकना चाहती हो घर पे मीज यस एंड गिव मी हैंड विद सफ़र और थोड़ी सी मेरी मदद करे वो रात के खाने में एनी थिंग यू वुड लाइक दैम टू डू देट यू इंजॉय वेदर दे डू और नाट मिसेस पियर्स हेजिटेटिंग इजते हुए वेल येस आई आई लाइक अ नाइस गेम ऑफ रमी रमी का गेम खेलना चाहती हूँ बट ऑफ कोर्स आई हार्डली आवर हैव वन एक्सेप्ट एट क्रिसमस क्रिसमस पे ही खेला था एक बार उसके बाद मैंने कभी खेला मिसेस फिजरल गेटिंग ऑफ दैट विल डू देन सी मूव टूवर्ड्स द डोर लेफ्ट देन टर्न्स बट रिमेंबर की फॉर्म और यू विल हैव और यू हैव हैड इट सी ओपन द डोर कॉलिंग हॉय यू कैन कम इन नाउ हॉय मीन्स हे अ साउट टू कॉल सम्बडी हॉय होता है प्यारे बच्चों आज से हॉय जैसे टीचर्स भी बोलते हैं ना हॉय आप समझते हो हिंदी का रफ वर्ड है लेकिन ये अशाउट कॉल अशाउट टू कॉल सम्बडी पुकारने के लिए किसी को दी गई आवाज को भी बोलते हैं हॉय <laughs> अब आप अंदर आ सकते हैं कमिंग अवे फ्रॉम द डोर एंड मूविंग राइट स्लाइटली क्वाइटली चुपचाप बट रिमेंबर रिमेंबर अ firm हैंड लेकिन थोड़ी मजबूत रहना ध्यान रखना George, Doris एंड साइरल फाइल इन थ्रू द टोर वे अंदर आ जाते हैं दरवाजे से लुकिंग अप्रीहेंसिवली एट मिसिज पियर्सन मिसिज पियर्सन की तरफ अप्रिहेंसिवली मीन्स एनर्जियसली बेचैनी से या भयपूर्ण तरीके से देखते हुए आई एम जस्ट ऑफ टू लेट यू इंजॉय योर सेल्फ द फैमली लुक्स एनेक्जियस एट मिसिस पियरसन हु स्माइल्स मस रिलेव द स्माइल बैक एट हर चिंतित होकर परिवार मिसिस पियर्सन की तरफ देखता है और क्योंकि वो तो अब रियल मदर हो चुकी है रियल वाइफ है तो वो स्माइल करती है उनकी तरफ राहत के साथ वो भी स्माइल बैक करते हैं डोरी एनेक्जियसली यस मदर चिंतित हाँ माँ बोलो मिसिज पी स्माइलिंग सीइंग दैट यू डोंट वॉन्ट टू गो आउट तो तुम जाना नहीं चाहती आई टेल यू वट आई थॉट वी वुड डू मैं बताती हूँ तुम्हें हम क्या करेंगे मिसेज पियर गिविंग अ फाइनल वार्निंग रिमेंबर फिर से दरवाजे पे खड़ी खड़ी उसे कहती है याद रखना ध्यान रखना मिसिस पियर नोडिंग नोडिंग मीन्स मूविंग हैंड अप एंड डाउन सिर ऊपर नीचे हेड अप नी, एंड डाउन नोटिंग होता है सर हिलाना ऊपर नीचे यानी उसकी यस में यस कहला कहना देन लुकिंग शार्पली एट द फैमिली नो ऑब्जेक्शन आई होप मुझे कोई ऑब्जेक्शन नहीं जॉर्ज हम्बली नो मदर वट एवर यू से देखो जॉर्ज ने भी मदर कह दिया सीधा फन ए लाइन जॉर्ज ने वाइफ को मदर कह दिया क्योंकि बच्चों के पॉइंट ऑफ व्यू से वो मदर है ना प्यार से वट एवर जो तुम कहोगे वही करेंगे मिस वी आर स्माइलिंग आई थॉट वी वुड हैव अइस फैमिली गेन ऑफ रम्मी हम रम्मी का गेम खेल ले एट देन यू चिल्ड्रन कुड गेट द सफर रेडी और तुम बच्चे कर सकते हो रात का खाना तैयार वॉय आई हैव अ टॉक विद योर फादर बहुत दिन हो गए तुम्हारे पापा से बात किए हुए थोड़ी बात कर लेती हूँ तब तक जॉर्ज फॉर्मली शूट्स मी हाँ मुझे ठीक है हे लुक्स चैलेंजिंगली एट द चिल्ड्रन चैलेंजिंग होते हुए बच्चों को कहा मज़ इन्वाइटिंग पीपल टू एग्री और डिस विद योर चुनौतीपूर्ण ढंग से बच्चों को कि भैया ठीक है ना वट अबाउट यू ट्यूब मैं तो तैयार हूँ यहाँ इसकी बात मानने के लिए तुम दो सायरिल हैज इट येस दैट्स ऑल राइट बिल्कुल ठीक है साइरिल भी कहता है डोरिस भी है मिसिज पियरसन शार्पली वट स्पीकअप एकदम से बोलो बोलो डोरिस हैज इट ओह आई थिंक इट वुड बी लवली बहुत प्यारा होगा ये काम मिसिज पियर्सन स्माइलिंग गुड बाय मिसिस फिजराल कम अगेन सून मिसिस फिजराल गुड बाय फिर से आना मिसिज फिजर यस डियर गुड नाइट ऑल हैव अ नाइस नाइट मिसिज फिजराल एग्जिस्ट लेफ्ट एंड द फैमिली क्लस्टर राउंड मदर एज द कर्टेन फॉल्स मिसिस फिजरल्ड लेफ्ट की तरफ चली जाती है और फैमिली जो है वो क्लस्टर राउंड हो जाती है माँ के चारों ओर बैठ जाती है जैसे ही पर्दा गिरता है <coughs> तो प्यारे बच्चों This chapter is very much interesting. You know, Mother's Day, written by J.D. Priestley, is very much interesting as well as the play raises many serious issues. The first and foremost is proper appreciation of a housewife's role and responsibilities. Those who work 8 hours a day and 40 hours a week treat the housewife as an unpaid domestic servant who must carry out their orders they neither request her nor thank her for her services but we should love and we should show love and gratitude towards the mother or wife the husband son and daughter leave the lady of the house alone every night and go out to enjoy themselves in their several ways they do not take any notice of her and have become thoughtless and selfish. The mother's excessive love, care and promptness to serve them all spoiled them. तो प्यारे बच्चों ये जो मदर्स डे नाटक है पले है जे बी पिस्टली द्वारा लिखा गया ये कई गंभीर मामले उठाता है सबसे पहले तो जो घर की लेडी है गृहिणी की भूमिका तथा उत्तरदायित्व का सही मूल्यांकन करना और प्रशंसा करना है जो लोग आठ घंटे और तथा सप्ताह में चालीस घंटे कार्य करते हैं वे गृहिणी से एक अवैतनिक घरेलू नौकरान नौकर की भांति व्यवहार करते हुए न तो किसी काम के लिए प्रार्थना करते हैं तथा न ही काम होने पर इसके लिए धन्यवाद देते हैं दूसरा मामला यह है कि माँ या पत्नी के प्रति प्रेम तथा कृतज्ञता का आदान प्रदान होना चाहिए पति पुत्र तथा पुत्री घर की महिला को अकेली छोड़ अकेला छोड़कर प्रति रात्रि अपने विभिन्न ढंगों के मनोरंजन के लिए निकल पड़ते हैं और वे उसकी ओर कोई ध्यान नहीं देते तथा विचार रहित एवं स्वार्थी बन जाते हैं माँ के अत्यधिक प्यार देखभाल तथा उनकी सेवा करने की तत्परता ने उन्हें बिगाड़ दिया है बट वी शुड हैव अ बोल्ड लेडी लाइक मिसिज फिजरल्ड हु कैन हैंडल द फैमिली इन अ नाइस वे ओके डियर चिल्ड्रन ओके थैंक यू एंड हैव नाइस डे